फिर हमने और चेंज कर दिया, फिर हमने कहा जान ले लो तुम मेरी, जान ले लो तुम मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रवि शर्मा से, सर आइए। अगली बार हमें ऑडिट मिलने वाला है। He has taken about 9 sessions in media, but there was one thing he spoke about, the value of sacrifice. All right, so I will like him to speak those lines which he took about sacrifice in the last conclusion of media, that what you achieve depends on what he just tell you. So listen to these words. I think they should be the closing words. We started with him and we'll close with him. Zara, tumne kuch karna hai? Bolna hai? Yes. Wherever she's reached today is simply because of one thing, that her intentions are pure towards the students. She wants each one of you to beat her. That is what she wants. इच्छा है, but मैं बता रहा हूँ मेहनत करनी पड़ेगी ये करने के लिए. It's not going to be easy, right? But now let's listen to what he concluded last day. That's my favorite speech out of the 9 he has taken till now. So, what I feel is that all of the people who are standing on this stage, actually हम सब life में कोई भी, चाहे आपका close हो या ना हो, कोई ऐसा आदमी या some women you see in power or position, someone who is rich, someone who is famous, हम सब लोग एक end point देखते हैं और बहुत बार ऐसा होता है उस end point को देख के we feel envious also, we feel jealous also कि और हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद वो बंदा उतना डिजर्व नहीं करता जितना मैं डिजर्व करता था. दैट इज ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव एंड पीपल विल ऑलवेज होल्ड दैट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स पीपल हु आर सक्सेसफुल. सो एंड ऑनेस्टली आई एम द यंगेस्ट ऑफ एवरीवन ऑन द स्टेज. आई एम 91 नॉट, आई एम द यंगेस्ट एवरीवन ऑन द स्टेज. सो आई एम यंगर देन, सो youngest mein hai sab, yeah, it looks different, youngest mein hu. So taali bajao zor se taali. So everyone who is here, DRG sir, Praveen sir, Apoor sir, ye to jab hum padhte the tab they were also very famous teachers, they were very established people and everyone used to look up to them. Itne saal matlab मुझे ही कंप्लीट किए 8 साल हो चुके हैं, ज़ैनब को कंप्लीट किए 8 साल हो चुके हैं एंड स्टिल दे आर द फेवरेट टीचर्स इन द कंट्री. तो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. दैट इज व्हाट आई फील, दैट हमें लगता है कि अच्छा ये डिफेक्टो हो रहा है तो होना चाहिए जस्ट बिकॉज समवन इज टैलेंटेड, समवन इज हार्ड वर्किंग. ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में. इवन इफ लेट अस सपोज ज़ैनब इज सिटिंग हियर टीचिंग फॉर 3 डेज, you are hearing to Apoor sir, you are hearing to Jiyadi sir, you are hearing to Praveen sir. ये लोग स्टेज पे इस करके खड़े हैं बिकॉज कोई भी चीज आप लाइफ में अचीव करते हो ना, वो एक कुर्बानी मांगती है. दुनिया को वो कुर्बानी कभी नहीं दिखती, ना दिखेगी, वो आपको फील होती है हर मोमेंट. सो ज़ैनब ने BTR बनाने में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, वो सारा टाइम एक्चुअली शी कुड हैव गिवन टू ज़ारा. ठीक है, आई एम सेइंग and that is the truth. That is why आप अपनी booklet खोलोगे and the first page, this book has been dedicated to Zara. There are many times she is teaching, she takes break. Break में मैं बहुत बार उसको call करता हूँ, phone नहीं उठा पाती because वो तुम्हारे doubts ले रही होती है. बहुत बार Zara बोल रही होती है कि मम्मी से video call करा दो, मम्मा मम्मा मम्मा. उसने रातों मुझे call back किया था video call करके जब आपने break दी थी, तब मैं इन चला गया था तो I couldn't sure. तो पूरा दिन थक कर आती है एंड शी गोज बैक टू हर डॉटर, जिसको ऑब्वियसली वो अपने से भी कई गुना ज्यादा प्यार करती है बिकॉज दैट इज द हाउ इज बॉन्डिंग ऑफ मदर. सो ऐसा नहीं है कि शी इज नॉट सेक्रीफाइसिंग. अगर आप यहाँ पे 12 घंटे पढ़ रहे हो 3 दिन के लिए,
आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है वो कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है, इस करके वो स्टेज पे है कि वो आपको पढ़ा पा रहा है। तो कुर्बानी ना कोई भी बिग अचीवमेंट लाइफ में कुर्बानी मांगती है, वो कुर्बानी जो देता है से उसी को बचलता है। तो हम हमेशा इस न्यूरोसिस में रहते हैं कि मैंने इतना एफर्ट डाला। सो जो लोग लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं ना, वो इतना एफर्ट डाल चुके होते हैं जितना शायद आप कभी डाल ही नहीं सकते। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, मुझे आज ही किसी ने एम्स में पूछा कि सर मैंने रिसेंटली आपका यूट्यूब पे एक वीडियो देखा मेरे एक रेजिडेंट ने, सर यू आर सो सक्सेसफुल, कोई ऐसा बंदा है जिससे आप इंस्पायर, हम तो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपने सब किया लाइफ में, जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिसको तो आपको लगता है यू आर एनवियस ऑफ कि मैं इसकी तरह बनूं, एंड दैट वन पर्सन इज अपूर सर। आई टेल यू व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी, आई हैव बीन नेवर बीन एज एनवियस फ्रॉम अ पर्सन देन इज फ्रॉम अपूर सर। आई टेल यू व्हाई, ही इज अ सर्जन, आई एम अ सर्जन, सो देयर ओके ठीक है तुम भी सर्जन बन गए। ही इज अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, बिकॉज एक सर्जन होके एक टीचिंग मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में एक स्टेज था जब जैनब को टीचिंग शी वॉज एंटरिंग एंड शी हैड अ चॉइस, शी वॉज लकी दैट शी कुड बैलेंस रेडियोलॉजी विद टीचिंग, एंड हर रेडियोलॉजी वॉज नॉट गेटिंग सेक्रीफाइज बिकॉज ऑफ टीचिंग। बट मैंने ना इंडिया में ऐसे सर्जन देखे नहीं है जो डेली ऑपरेट करते हैं, अपना ओपीडी करते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं, फिर भी टाइम निकालते हैं, फिर भी रोज सुबह सबसे पहले कौन दिखता है आपको हॉल में? आफ्टर दिस याद खत्म नहीं होता। तो मेरा तो यही आ जाता है कि यार मैं तो अपना घर और अपना न्यूरो सर्जरी बैलेंस करने के बियॉन्ड कुछ कर ही नहीं पाता, टीचिंग तो बहुत दूर की चीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही मैनेजेस हिज हाउस, ही इज अ फादर, ही इज अ हस्बैंड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैन पावर मैनेजमेंट स्किल तो सर की गजब है। ही हैज आई फॉर identifying the right person for the right job. ये मैं बोल सर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर मुझे भी कभी कभी hire करना होगा ना किसी को, I'll tell him to hire for me, because he knows कि ये chess की game में ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये pawn है, ये राजा है, रानी है, कौन कितने कदम चल सकता है, कौन किसको मात दे सकता है, बहुत मुश्किल है। Trust me, life में आप जब बड़े होंगे, आप successful होंगे, आपको life में सबसे बड़ी difficulty पता क्या आएगी? Team बनाने, बहुत मुश्किल काम है। आप खुद सक्सेसफुल हो सकते हो, आपको कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्राइज रन करने के लिए आप टीम नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें लोगों की ईगो अड़ जाएगी। बहुत मुश्किल है ईगो बैलेंस करना, इतना मुश्किल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द ईगो क्लैश, बट दिस मैन हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मैनेजमेंट स्किल्स एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, एंड ही हैज बिल्ट द टीम व्हिच इज रनिंग द शो। एक ऑस्कर स्पीच है जो मैंने बहुत बार शायद इंस्टा पे शेयर किया है अपनी, एंड आई फील एंड ही वाज आस्क्ड, आप लाइफ में किस चीज को चेज करते हो? अगर मुझे कोई पूछेगा किसको मैं चेज करता हूं, आई जस्ट होप आफ्टर 10 इयर्स आई कैन बी हिम, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम चेजिंग, बिकॉज मैन यू नो सच का घर के अलावा मैं भाई एट दिस स्टेज यू आर हियर एट 10 इयर्स विल बी फार अहेड बट Let's, but that's okay, I understand, but I'm saying, but yes, I would like to chase him. If there are thousands in this country who like to chase me down, I'd like to chase him, because this guy is managing so much, and it's not just job, it's not just infrastructure, managing people, it's important, it's important, important, hey, that you have to sacrifice, it's coming. मुझे यही समझ नहीं आता कि इसके लिए इस इंसान को कितनी कुर्बानी देनी पड़ती होगी, ठीक है ना? उसका एस्टीमेट यही आता है, मैं तो गणित लगाता हूँ, मेरे से तो उतनी दी नहीं जा सकती, बिकॉज मैं दे नहीं पा रहा, नहीं तो वो बनता, ठीक है? Thank you very much, Ravi. Thank you very much. When it comes to cerebellum, you know, we are very very fortunate that I represent just the tip of what we all are, you know, and they are phenomenal 19 teachers, and they work day in day out, and I think
फॉर अभी जैसे रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे तीन लोग खड़े हैं प्रवीण गोगा भाई देन आर द थ्री पिलर्स ऑफ सेरेबेलम विवेक सर एंड स्पर्शन नॉट हेयर एंड अदर पीपल आर नॉट हेयर यू शुड हैव बीन हेयर सो आई वुड लाइक टू से दीज लाइंस फॉर देम राइट बिकॉज दे आर द गाइस हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग अपार्ट फ्रॉम द टीम इन द मॉर्निंग व्हिच आई टोल्ड एक बार हमारी जो सारी टीम है सबसे पहले नहीं वो अब लेफ्ट में नहीं है बेटा आप सबको अलग अलग भेज दिया लेफ्ट पे अब और नहीं मिलेंगे देखो राइट सो दीज आर द लाइंस व्हिच आई ऑलवेज स्पीक दैट माना है कि चुपचाप खड़े रहते हैं जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर गोविंद सर विवेक सर प्रवीण स्पर्श एंड अब राइट हमारी महफिल सजती है उन लोगों से जिनके कदमों पे कई ताज पड़े रहते हैं My before I hand over the mic to Zainab, last question to the universe boss. Right, this is something we all love, you know. We all love these offline sessions which we are doing. But somebody to think in PG teaching about the daily life sessions, the mission programs, it is what he thought of. So we should all clap for him. And I was taking a lecture day before yesterday when Zainab told me ki mera to BTR hai aap meri jagah online lena and mere ko subah bula liya yahan pe pehle aur fir sham ko bol diya jaake wahan padhao so I called him and I said thanks to him ki main practice bhi kar pata hu main sab kuch kar pata hu and uske baad main apne students se ghar baith ke live session mein baat kar pata hu it's because of this so this is what he has done it alone and he should Tell about how he manages it in one word because ये भी sacrifice है घर बैठ के सारे teachers को मनाना उनका schedule plan करना और अभी नीचे बता भी रहा था and I think you should clap for him more जिन लोगों ने ये समझा हो कि इन्होंने एक बहुत बड़ी problem solve करी हम जैसे teachers की कि हम अपने घर में भी रह पाते alright and उसके बाद वहाँ पे अपने student के साथ भी आ सकते हैं because हर teacher का जो पूरी लाइफ का समरी होती है वो उसके स्टूडेंट्स और उनके रिजल्ट्स ही होते हैं तो इस बात पे ताली बजा दो जोर से क्वेश्चन आपने अभी नहीं पूछा बस ताली बजा रहे हो आप अभी आ रहा है अभी 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 क्वेश्चन आ रहा है ये आपको यूनिवर्स बॉस बोला गया है सो द क्वेश्चन इज मैंने रखा है नाम द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज योर स्टूडेंट मीन टू यू बिकॉज दिन रात तुम उनके लिए वीडियो बनाते हो रात भर आंसर करते हो So describe from all the teachers as a summary, what does your student mean to you? And second, as a psychiatrist, answer us, how big is this or any exam in life, the entrance exam, so-called entrance exam that you take? One heart broke. Sir, this is for him. Brother, this was for you. Now, Two questions. What students mean to a teacher and what exam should mean to a student. Sir, जो second वाला question पहले आते हैं. What entrance exam mean? अब इसमें ना बड़ा conflict है. मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ. As a teacher, मेरा काम क्या है? आप लोगों को push करना, motivate करना. As a psychiatrist, मेरा काम उल्टा होता है. Right? So this is a conflict that I have been carrying in my heart for last 10 years. See, entrance examination is not a physiological state, if I can say that. Entrance examination में हम लोग जो करते हैं वो normal इंसान कर ही नहीं सकता जैसे अब जो Zainab कर रही है 3 घंटे 3 दिन से बैठ के पढ़ा रही है मैम राइट ये कोई नॉर्मल इंसान की काम थोड़ना है राइट और आप तो भी 3 दिन से बैठ के पढ़ रहे हो आप कोई नॉर्मल थोड़े ना हो इसको ऐसे कहते हैं हम बड़े वाले हैं तुम हमसे भी ज्यादा सिंपल है यार भाई यही कह रहा अभी अभी हॉस्टल में तो ऐसे ही बोलते हैं ना भाई यार ये तो बड़ा है हम उससे भी बड़े मैं कभी कभी आईक्यू जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो 90 से 109 होते हैं नॉर्मल आदमी 70 से 90 होता है बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस और अगर 109 से भी ऊपर आपका आईक्यू चला जाए तो फिर आप बन जाते हो मेडिकल स्टूडेंट और आपकी जिंदगी वो हो जाती है जो आपकी है